फूड फॉर मूड में आज मैं बनाऊंगी तीन तरह के अलग अलग स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खस्ता बनेगी ये, तो वीडियो को पूरा देखें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रेसिपी है वो है खस्ता मेथी मटरी। उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप सूजी और 1/2 टीस्पून नमक। साथ में मैं डालूंगी कुछ फ्लेवरफुल चीजें, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। क्रंचीनेस के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। इन सबको हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले, कसूरी मेथी सब आटे में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के तेल। मैं यह रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो सभी चीज़ें उसी हिसाब से डालिए। अब ऑयल को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, लगातार इसी तरह से मसलते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर इसे मुट्ठी से बांध कर देखेंगे, ये अगर अच्छे से बंध रहा है तो इसका मतलब आटा परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इससे डो तैयार कर लेंगे। डो जो है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए, जैसा हम पूरी के लिए रखते हैं उसी तरह से थोड़ी सी टाइट डो आपको बनानी है। और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। सूजी भी इसमें डली है तो वो थोड़ा और टाइट हो जाएगा। अब हम लोग एक तरह का पेस्ट तैयार करेंगे, एक तरह के साटे का काम करेगा ये। के लिए मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम लोग अभी आगे यूज़ करने वाले हैं। बस हम लोग अब आटा चेक कर लेते हैं। आटा एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसे हल्का सा हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इससे हम लोई बनाएंगे। जितनी रोटी के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं उतनी ही बड़ी लोई बनानी है इससे। और इससे हम रोटी बेल लेंगे, साइज़ कुछ रोटी के ही जितना रहेगा इसका। आप बड़ी बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और ऑयल का, उसे अच्छे से लगा देंगे, जिससे कि जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से खुल के आएंगी। इसी तरह से हम चारों ओर अच्छे से फैला लेंगे और इस तरह से फिर हमें फ़ोल्ड करना है। पहले ऊपर से हाफ, फिर नीचे का हाफ और दोनों साइड से भी फोल्ड कर लेंगे हम लोग। अब आप जब इस तरह से बनाएंगे ना इसे, तो बिल्कुल खुल के सारे लेयर्स अच्छे से निकल के आएंगे। अब इसका शेप कुछ स्क्वायर सा हो गया है। अब इसे हम लोग थोड़ा सा बेल लेंगे, स्क्वायर शेप में ही इसे रहने देना है। और इसी तरह से हम थोड़ा सा इसे बेल लेंगे, हल्का सा आटा डाल लेंगे आप उसके ऊपर। तो इसे देखिए मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा बेल लिया है। अब वापस से इसके ऊपर वही पेस्ट लगाएंगे और अच्छे तरीके से फिर से वापस से इसे फैला लेंगे। अब इसे भी हमें फोल्ड करना है, तो हम लोग इस तरह से एक के ऊपर एक करके फोल्ड करेंगे, पहले हाफ पार्ट और फिर उसके ऊपर इस तरह से दूसरा पार्ट जो है वो इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे और हाथों से अच्छे से इसे चिपका लेंगे। अब इसे हल्का सा बेलते हुए हमें थोड़ा सा इसे लंबा इस तरह से करना है। इस तरह से करने से वो थोड़ी पतली भी हो जाएगी और लंबाई भी बढ़ जाएगी। अब उसे एक चाकू की हेल्प से हम लोग इस तरह से बराबर बराबर काट लेंगे, इस तरह से स्ट्रिप्स में इसे काट लेना है। इसी तरह से आप बाकी की मटरी को भी तैयार करके रख लें और इसे देखिए इस तरह से अलग कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे तेल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है, इसमें सारे स्ट्रिप्स को डाल देंगे। जितना आपने ऑयल डाला है उसी के अकॉर्डिंग आप डाल लें सारे स्ट्रिप्स को। कुछ सेकेंड्स के लिए उसे हम लोग सीखने देंगे और फिर कड़छी की मदद से उलटते पलटते हुए हमें उसे पका लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया लेयर्स इस तरह से बन के आए हैं। और जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन कलर का हो जाए, तो इस टाइम पे हम लोग इसे निकाल लेंगे और बस खस्ता मेथी मटरी बनकर तैयार है। अब हमारी जो अगली रेसिपी है लेयर्ड मटरी के लिए, उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। साथ में आप डालिए 2 बड़े चम्मच घी। घी को इस तरह से मेल्ट करके फिर डालेंगे। घी से थोड़ा सा खस्तापन ज़्यादा आता है, लेकिन आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून अजवाइन। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसी तरह से जैसे हम लोग हर बार चेक करते हैं कि इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे और ये अच्छे से बंध रही है, इसका मतलब आटा परफेक्ट तैयार हो गया है। अब मैदे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो तैयार कर लेना है। डो को बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है, कुछ इस तरह का रहेगा ये डो। बस इसे ढककर हमें 15 मिनट के लिए वापस से रेस्ट करने के लिए रख देना है।
15 मिनट के बाद देखिए एकदम बिल्कुल चेंज लग रहा है ना ये डो। अब इसे एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं हम लोग और फिर इससे छोटी सी लोई लेंगे। रोटी के लिए जितनी बड़ी लोई लेते हैं उसी तरह की लोई लेंगे। वैसे तो साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं क्योंकि इसे हमें बाद में काटना ही है। अब इसकी एकदम बिल्कुल पतली रोटी बनानी है हमें, बिल्कुल जितनी पतली आप कर सकते हैं, हाथ दिखने लगे ऐसी पतली बननी चाहिए। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पेस्ट जो मैंने ऑयल और मैदे से तैयार किया है, जैसे कि मैंने कॉर्नफ्लोर और ऑयल का यूज किया था मेथी मठरी में, ठीक उसी तरह से। अब इसके ऊपर हम लोग और रोटी लगाएंगे। इसी तरह से 4 से 5 रोटियां बेल के आप इसके ऊपर लगाते जाएं और हर लेयर के बीच में इसी तरह से जो साटा है उसे लगाते जाएंगे। अब जो साइड्स हैं उन्हें हम कट कर लेंगे। इस तरह से कुछ चौकोर शेप का आना चाहिए। साइड को अच्छे से काट कर हम लोग हटा लेंगे। जब इस मठरी को आप प्रॉपर कट करके जब तलेंगे ना तो ये बिल्कुल फूल की तरह दिखेगी आपको। अब किनारों को मैंने निकाल लिया है और इस तरह से हम लोग इसे इक्वल इक्वल साइज में काटेंगे। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं और अगर आपके पास इस तरह का कटर है तो उससे तो और इजी हो जाएगा। बस इसे इक्वल इक्वल इसी तरह से स्क्वायर शेप में काट लेना है और फिर उसे हम लोग बीच में काट लेंगे। कुछ इस तरह का ट्राइंगल शेप आएगा। अब एक पीस को निकाल कर दोनों जो किनारे है उसे हम ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरह से। आप चाहें तो मैदे वाला जो पेस्ट है उसे भी लगा सकते पर उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। और देखिए कुछ इस तरह का, देखिए फ्लावर जैसा दिख रहा है ना अभी से। तलने के बाद तो ये और भी अच्छा दिखेगा। तो वापस से मैंने तेल को मीडियम गर्म कर लिया है और एक एक करके उसमें हम लोग सारी मठरी डाल देंगे। एक बार में 6-7 मठरी से ज़्यादा मत डालिए क्योंकि इससे वो अच्छे से पकेगी नहीं। थोड़ी देर के लिए हमें इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है क्योंकि अगर आपने चला दिया तो ये इस तरह से जो हमने ज्वाइन किया है दोनों एंड्स वो खुल जाएंगे। थोड़ी देर बाद इसे चलाइए और फिर इसे चलाते हुए हल्का सा वही जो गोल्डन कलर होता है वो जब आ जाए इस तरह का कुछ, तब इसे निकाल लेंगे। और देखिए हमारी लेयर्ड मठरी भी बनकर तैयार है। अब जो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है वो है राइस पापड़ी। इसके लिए मैं 1/4 कप मूंगफली को हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ। 1-2 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लेना है और फिर हम इसे या तो कूट लेंगे या तो मिक्सी में हल्का सा चला लेंगे। अब सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप पानी। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक। अब ये जो मूंगफली हमने कूट कर रखा था वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा इसमें जाएगा धनिया जिससे फ्लेवर्स और बढ़ जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी ग्रेट की हुई अदरक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। बॉईल हो जाएगा फिर हम लोग इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से चला देंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप चावल का आटा। पानी हमने 1/2 कप डाला था तो आटा हमने 1 कप लिया है। बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मिक्सचर में पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसे चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेना है और फिर इसे निकाल कर हम ठंडा होने देंगे। मिक्सचर ठंडा हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। नमक वगैरह हमने पहले ही डाल लिया था तो इसे हम लोग मिक्स कर लेंगे अच्छे से मैदे को। अब इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी डालना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। इतने पानी में ही आपका काम हो जाएगा और इसका हम लोग डो तैयार कर लेंगे। अब ये जो डो हमने तैयार किया ये थोड़ा सा हाथों में चिपकेगा तो आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा घी या तेल हाथों में लेके इसके ऊपर इस तरह से लगा लेना है और इसके बाद ये बिल्कुल स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे 10 मिनट के लिए हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब इससे हम लोग छोटी सी एक लोई ले लेंगे, पूरी से भी छोटी लोई होनी चाहिए। उसे अच्छे से हम लोग इस तरह से गोल कर लेंगे। अब इसे हमें बेलना नहीं है, कुछ इस तरह से हमें प्लास्टिक की शीट लेनी है। शीट में मैंने ऑलरेडी ऑयल लगा लिया था, अब उसके ऊपर दूसरी प्लास्टिक की शीट रख लेंगे और एक कटोरी या ग्लास की हेल्प से हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे और ये पापड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसी तरह से आप सारी पापड़ी को एक बार में तैयार कर कर रख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल फिर उसी तरह से मीडियम गर्म होना चाहिए और एक एक करके सारी पापड़ी को डाल देंगे। एक बार में 3 से 4 ही पापड़ी डालनी है आपको, उससे ज़्यादा मत डालिए। गैस को मीडियम लो कर लेंगे और इसी मीडियम लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके इस पापड़ी को सिकने देंगे। जब पापड़ी थोड़ी सी सिक जाए तभी इसे पलटें, नहीं तो पहले से चलाने पे ये टूट जाएगी।
और बस जब इसका गोल्डन कलर इस तरह से कुछ आ जाए तो इसे हम निकाल लेंगे और हमारी खस्ता राइस पापड़ी भी बनकर तैयार है। ये तीनों रेसिपीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।